हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी ग्रेविटी एडिशन किया में कुछ ऐसा एडिशन है जो हमें तीनों गाड़ियों में देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप सोनेट पे जाओगे तो भी ग्रेविटी दिखेगा, अगर आप सेल्टोस पे जाओगे तो भी ग्रेविटी दिखेगा, और अगर आप जो है ये किया कारेंस पे जाओगे तो भी आपको जो है ग्रेविटी देखने को मिलेगा। पर मेरे हिसाब से ग्रेविटी एडिशन को सबसे बेहतरीन तरीके से जो है किया कारेंस में इस्तेमाल किया गया है। बाकी दो गाड़ियों से कारेंस में इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसका एक रीजन है। देखिए, अगर आप जो है किया कारेंस ले रहे हो तो, और वो भी ग्रेविटी एडिशन में, इसका एक्चुअल प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 12,10,000 रुपए। तो उस प्राइस पे ये गाड़ी आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है, और आज के वीडियो में इसी खूबसूरत सा व्हाइट कलर के साथ ग्रेविटी एडिशन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मैं हूं देव और आप देख रहे हैं एवरीथिंग एल्स। तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, फ्रंट एंड का बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे कोई भी ज्यादा चेंजेस ग्रेविटी एडिशन के लिए आपको अलग सा देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मुझे पता है आप लोग कहेंगे भाई क्या दिया गया है, नहीं बताया, तो आपके लिए ही सही एक बार और बता देते क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देखोगे आपको जो है हेडलाइट यूनिट दिया गया है, हैलोजन बेस्ड है, हाई बीम लो बीम यहीं से काम करेगा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया गया है और बस सामने का कहानी खत्म। मतलब और कोई भी एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, ना ही सामने आपको पार्किंग सेंसर दिया गया है जो मैं अलग से कहूं, पर हाँ आपको यहाँ पे किया का जो सिग्नेचर है टाइगर नोज ग्रिल वो सिल्वर कलर में देखने को मिल जाएगा। ग्रेविटी के लिए वो खास है। अब आ जाते हैं साइड पे, दिखाएंगे आपको साइड पे क्या है, पर उसके पहले मैं एक चीज दिखा दूं आपको। गाड़ी का एक बार आप लेंथ चेक करो, गाड़ी बहुत ज्यादा लंबा है। इसका रीजन है भाई ये 4 मीटर के ऊपर का साइज का गाड़ी है, इसीलिए स्पेस जो है इसके अंदर भरपूर हमें देखने को मिलेगा। और जैसे ये ग्रेविटी एडिशन है, आपको यहाँ पे देखोगे ना भाई ग्रेविटी का आपको जो है बैजिंग भी देखने को मिल जाएगा, वो भी दिया गया है। अब मैंने जो है टायर के बारे में तो बात नहीं किया, तो भाई यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको जो एक 15 इंच का व्हील दिया गया है, स्टील व्हील है, ऊपर से व्हील कैप भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको 16 इंच का व्हील नहीं दिया गया है, पर हाँ अगर आप इसका डीजल वर्जन लेते हो तो आपको उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 16 इंच देखने को मिलेगा, वरना पेट्रोल में आपको जो है 15 इंच का ही देखने को मिलेगा। ऊपर के हिस्से में कहीं पे भी आपको जो है रूफ रेल देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको जो है कुछ भी क्रोम एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आउटसाइड रेव्यू मिरर जो है उसके ऊपर इंडिकेटर जो है इंटीग्रेटेड किया गया है, और बॉडी कलर जो है वही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा चीज है कि वो प्लास्टिक ब्लैक वाला कहानी जो है चिपकाया नहीं गया है। अब पीछे के व्हील का बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है भाई ये गजब चीज है, ग्रेविटी में आपको पीछे की व्हील पे डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। हाँ भाई, डिस्क ब्रेक दिया गया है, मतलब चारों व्हील पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। अगर आप कारेंस का ग्रेविटी एडिशन ले रहे हो, स्टील व्हील है उसके ऊपर व्हील का पेपर, उसके अंदर आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। ये बहुत बहुत अच्छा चीज है। पीछे की पोर्शन में लाइट कैसा है उसके बारे में बात करेंगे, तो आ जाइए पीछे से एक बार, पहले जो आप एक बार देख लो कैसा ये देखने में आ रहा है, ओवरऑल लुक इसका कैसे आ रहा है, उसके बाद बात करेंगे क्या क्या चीजें दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कुछ भी एलईडी नहीं है, आपको प्रॉपर हैलोजन बेस्ड ब्रेक लाइट यूनिट है, रिवर्सिंग लाइट है, और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बेस ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कनेक्टेड लाइट का भाई कोई कहानी नहीं है, और हाँ एक चीज कह रहे, कारेंस का टॉप वेरियंट है उसमें भी जो है आपको कनेक्टेड लाइट देखने को फिलहाल नहीं मिलता। यहाँ पे आपको किया का लोगो देखने को मिलेगा, कारेंस का ब्रांडिंग, और नीचे यहाँ पे देखोगे आपको कैमरा भी दिया गया, साथ ही में पीछे जो है आपको 4 पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है प्रॉपर तरीके से लोड किया गया है। यहाँ पे आपको वॉश एंड वाइपर, डिफ्रॉगर नहीं आएगा, पर हाँ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटेना, वो सब चीजें प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है। अब बूट स्पेस भी थोड़ा सा दिखा दे आपको, शायद ग्रेविटी में चेंज हो गया है। नहीं भाई, ग्रेविटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जैसे कारेंस में आता है जितना स्पेस, बिल्कुल वैसा ही उतना ही स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लास्ट सीट जो है 50-50 स्प्लिटेबल है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। अगर आप फ्लैट फोल्ड कर दोगे तो कुछ इतना सा स्पेस आएगा, अगर आप फ्लैट फोल्ड नहीं करोगे तो आप जैसे देख पा रहे हो ये सेक्शन में जितना जगह है वैसा ही जगह आने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप 7 लोगों का लगेज डाल के लंबा ट्रिप मारने वाले हो, वो अफसोस है भाई, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, छोटा छोटा बैग है, जैसे यहाँ पे ये साइज का बैग है, अगर ऐसा बैग रहा तो बैक टू बैक आप डालोगे तो 7 के ऊपर हो जाएगा, पर उससे ज्यादा बड़ा साइज का बैग है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, नहीं होगा। और स्पेयर व्हील जो है भाई वो यहाँ पे भाई छुपाया हुआ नहीं है, क्योंकि ये स्पेयर व्हील जो है ना भाई इसके नीचे यहाँ पे जो है डाला गया है, तो उसका साइज मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा, पर जहां तक मुझे लग रहा है अगर ये 15 इंच का है तो वो भी 15 इंच का ही होगा, यहाँ पे कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं होगा। अब हाँ एक चीज और है, अब आ जाओ अंदर दिखा देते। जैसे ये कारेंस है,
आपको यहाँ पे जो है कप होल्डर पीछे की लोगों के लिए, टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा, सीट बेल्ट वो भी प्रॉपर तरीके से दिया गया। आप करते हैं बूट को क्लोज, क्योंकि बूट का कहानी हमने कुछ ज्यादा ही बता दिया आपको, आपको सब तो पता ही है, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए एक रीकैप कर दिए थे हम। दरवाजा ओपन करेंगे मिडिल रो का। अब पहली चीज है, जैसे ये ग्रेविटी एडिशन है, आपको यहाँ पे जो है डुअल टोन देखने को मिलेगा, और ये वाला हिस्सा जो है ना ये आपको प्रॉपर सॉफ्टेस्ट मटेरियल का दिया गया, और ये भी आपको सॉफ्टेस्ट मटेरियल का ही देखने को मिलेगा, मतलब प्रीमियमनेस जो है आपको ग्रेविटी एडिशन में भरपूर दिया गया है। साथ में यहाँ पे स्पीकर का पोजिशन, पानी रखने की जगह, पावर विंडो का लीवर, वो सब मिलेगा। अब जैसे भाई ग्रेविटी एडिशन है, आपको जो है प्रॉपर लेदर सीट ब्लैक में आने वाला है, प्रॉपर लेदर सीट। यहाँ पे देखोगे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है दो दो, और साथ में आपको एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा विद अ कप होल्डर, वो सब चीजें दिया गया है। अगर आप रेयर एसी वेंट ढूंढ रहे हो भाई, वो जो है सीलिंग के ऊपर दिया जाता है। कारेंस का हर एक गाड़ी में आपको सीलिंग पे ही जो है आपको रेयर एसी वेंट देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड भी एज ए फैक्ट्री फिट आने वाला है, तो ये सब चीजें जो है काफी अच्छा है, जैसे ग्रेविटी एडिशन को और ज्यादा जो है खास बनाता है। अब जो है ड्राइवर साइड में बात करेंगे वो क्या है, तो आ जाइए, पर चलते चलते आपको बता दे कि अगर आप किया कारेंस ले रहे हो, आपको जो है पेट्रोल इंजन आने वाला है, उसके साथ जो है आपको डीजल ऑप्शन भी मिल जाएगा। और अगर हम बात करें क्या क्या और ट्रांसमिशन ऑप्शन है, आपको जो है 6 स्पीड का मैनुअल आने वाला है, साथ में आपको IMT का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब देखिए ड्राइवर साइड में आपको कोई भी जो है रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। और चाबी का बात करें तो आपको जो नया जो किया का चाबी है ना, वो आप देख सकते हो, यहाँ पे किया का लोगो है। 3 बटन दिया गया है, लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज। और गाड़ी को जो है आपको चाबी से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने कहा था आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप नहीं आता इसके साथ। अब दरवाजा ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या चीजें दिया गया है। पहला चीज, चाबी को जो है ना की होल, आप देखोगे यहाँ पे जो है चाबी डालने का जगह है, उसमें चाबी को मैं पहले डाल देता हूँ, फिर दिखाऊंगा आपको पैनल में क्या दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो तो आपको जो है ब्लैक के साथ बेज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भरपूर सॉफ्टवेयर मटेरियल, चारों पावर विंडो का बटन, विंडो लॉक करने के लिए, दरवाजा लॉक करने के लिए, आउटसाइड रियरव्यू मिरर, एडजस्ट करने का बटन दिया गया है, पर फोल्ड आपको जो है वो मिरर आपको हाथ से ही करना है। पानी रखने की जगह, स्पीकर का ग्रिल, ये सब चीज आएगा। और ड्राइवर साइड का सीट है, वहां पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं अंदर बैठूं तो एक चीज बताऊं आपको भाई, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लग रहा है ये सीट। और हाँ, ये ऐसा नहीं कहूंगा भाई ये स्पेशल सीट है, अलग सा है, ऐसा कुछ चीजें मैं नहीं कहूंगा। जो चीज सच है मैं सिर्फ वही बताऊंगा, वो है ये सीट पे बैठ के मुझे काफी ज्यादा कंफर्ट लग रहा है। इसका फोम का क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ा दिया गया है। बात करें स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट को लेकर, तो यहाँ पे आपको टिल्ट देखने को मिलेगा, पर टेलीस्कोपिक भाई नहीं आएगा। और यहाँ पे आप आ जाओ, देख लो यहाँ पे जो भी बटन दिया गया है, इससे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट एडजस्टमेंट का नॉब देखने को मिलेगा। लाइट स्ट्रोक पे ऑटो नहीं है, वॉशर वाइपर पे भी जो है आपको ऑटो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो स्टीयरिंग व्हील दिया गया है भाई, ये प्रॉपर जो है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे कारेंस का जो है ब्रांडिंग भी किया गया है, साथ में ये डी कट है तो और ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे जो भी जो है बटन दिया गया है, उससे जो आप म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल कर पाओगे, और यहाँ पे जो भी बटन है उससे ये जो डिजिटल डिस्प्ले है उसको आप जो है कंट्रोल कर पाओगे। अब म्यूजिक सिस्टम से बात है, एक चीज बता दें कि यहाँ पे आपको जो है 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। ये प्रॉपर टच बेस्ड म्यूजिक सिस्टम है, नीचे भी आपको टच कंट्रोल दिया गया, पर कुछ कुछ बटन भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ नीचे एसी यूनिट जो है वो प्रॉपर आपको मैनुअल एसी है। इस वेरिएंट में मतलब ग्रेविटी एडिशन कारनेस में आपको जो है ऑटो एसी नहीं आएगा, आपको मैनुअल एसी ही मिलेगा। उसके नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको टाइप ए, टाइप सी, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, छोटा सा एक स्पेस अब चाहे तो कुछ रख सकते हो, तो इस तरफ जो है आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स, 2 कप होल्डर, आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के ऊपर का ये जो हिस्सा है ना जो स्टिचिंग के साथ देख रहे हो आप, ये प्रॉपर जो है लेदर रैप है, सिर्फ ग्रेविटी एडिशन के लिए है। नीचे आपको जो है काफी अच्छा स्पेस भी जो है देखने को मिल जाएगा, जैसे आप देख ही पा रहे हो। बात करते हैं और क्या है, तो ग्लव बॉक्स जो है काफी डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स है। मिरर का बात करें तो यहाँ पे आपको एक मैनुअल डे नेट करना है मिरर के साथ। और ग्रेविटी एडिशन एक खास, आपको यहाँ पे एक डैश कैम, डुअल डैश कैम, मतलब गाड़ी का बाहर का रिकॉर्डिंग और गाड़ी के अंदर का रिकॉर्डिंग, दोनों रिकॉर्डिंग जो है ये कैमरा कर लेगा। क्योंकि इंटीरियर पे जितना कुछ सब तो मैंने बता दिया, पर हाँ एक चीज नहीं बताया, वो है आप आ जाओ यहाँ पे एक बार, आप देखो ये जो सीट है उसके ऊपर आपको देख सकते हो एयरबैग का ब्रांडिंग किया गया है। मतलब है कि इस गाड़ी में आपको जो है 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड आने वाला है। अब मैं इंजन अलग से खोल के नहीं दिखाऊंगा, इस गाड़ी में एक पेट्रोल इंजन है 1.5 लीटर का जो है नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। साथ में आपको 5-6 स्पीड का जो है मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। प्राइस के हिसाब से बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था 12,10,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है इस गाड़ी का, इस इंजन गियरबॉक्स कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और एक चीज जो मैंने नहीं दिखा आपको भाई, मेरा ही गलती है, मैंने नहीं दिखा था इंटीरियर पे, आ जाओ दिखा देते आपको
क्योंकि आफ्टर ऑल ऑफ ग्रेविटी एडिशन लोगे किस लिए, उसका मेन रीजन क्या है? आप ऊपर देखोगे यहाँ पे आपको एक सिंगल पैनल भाई सनरूफ दिया गया है। हाँ भाई, सिंगल पैनल सनरूफ आ रहा है, ये बहुत बड़ा एक अपडेट है भाई। इसी के लिए ग्रेविटी एडिशन का काफी तगड़ा डिमांड है। अब मेरे हिसाब से अगर आप कारेंस का कोई भी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट ढूंढ रहे हो तो वो यही वेरिएंट है, ग्रेविटी एडिशन ही है। और मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था आपको, किया ने जो है ग्रेविटी नेम प्लेट जो है सबसे बेहतरीन तरीके से जो है कारेंस में लेके आया है। रीजन है कि 12,10,000 रुपए में आपको एक तो प्रॉपर लेदर सीट आ रहा है, स्टीयरिंग व्हील वो भी आपको लेदर आ रहा है, आपको एक सिंगल पैनल सनरूफ वो भी आपको मिलने वाला है, अब व्हील जो है वो भी आपको अच्छा खासा व्हील दिया गया है। और बात करें जो चीज नहीं है, एक DRL मिसिंग है बस, अगर वो भी हो जाता तो और ज्यादा शानदार होता, पर कुल मिला के गाड़ी काफी अच्छे तरीके से लोड किया गया है। 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड आ रहा है, तो वो चीज भी आपको सेफ्टी के लिहाज से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में जितना सारा डिटेल्स था हर एक चीज मैंने शेयर कर दिया आपके लिए, और कोई इश्यू है नहीं जहां तक मुझे लग रहा है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं जरूर जवाब दे दूंगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपके साथ एक और नया वीडियो में। तब तक अगर गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, बाइक चला रहे तो हेलमेट जरूर पहनिए, सेफ रहिए। थैंक यू।